फाइनली दोस्तों मेरे पास ये पोको M2 Pro का बॉक्स आ गया जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो दोस्तों रैम की मैं बात करूँ तो इसमें 6GB का रैम है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। तो दोस्तों चलिए आइए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और आप लोग को बॉक्स में कुछ मेंशन किया हुआ देखने को मिल जाता है। मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिल जाता है और इसमें आपको बॉक्स में ही 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, प्लस आप लोग को 5000mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों देखिए इसमें आपको 48 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा का भी सेटअप देखने को मिल जाता है और इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आगे का मैं फीचर्स आप लोग को बॉक्स ओपन करके बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए मैं यहां पे सील ब्रेक कर लेता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लिया और दोस्तों देखिए आप लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोग को क्या देखने को मिलता है चलिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को एक कवर देखने को मिल जाता है जो कि इसका क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों मुझे ठीक ठाक ही लगा है, कोई ये खास क्वालिटी नहीं है। हाँ लेकिन पहले से ये क्वालिटी कुछ बढ़िया है। और दोस्तों इसमें आप लोग को सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है और ये कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो ये रहा दोस्तों हमारा मेन फोन। तो फिलहाल हम मेन फोन को साइड में रखते हैं और मैं देख लेता हूं बॉक्स में आप लोग को क्या मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये चार्जर भी आप लोग को देखने को मिल जाता है जो कि एक 33W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स में ही। और दोस्तों मैं केबल की बात करूं तो ये आपको टाइप सी वाला केबल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस फोन का जो डिजाइन है काफी आप लोग को प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैमरा का जो डिजाइन भी है काफी बढ़िया आप लोग को देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी, जिसके वजह से दोस्तों इसका जो लुक है काफी ग्लॉसी लुक हम लोग को देखने को मिल जाता है। और नीचे में पोको का ब्रांडिंग है। मैं ऊपर की बात करूं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे क्वाड कैमरा का सेटअप हमको देखने को मिल जाता है। पहला जो 48 मेगापिक्सल का हुआ प्राइमरी कैमरा, जो दूसरा कैमरा हुआ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और जो तीसरा कैमरा है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो लास्ट और चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, और यहाँ पे नीचे में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों मैं फोन की राइट साइड की बात करूं तो आप लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिलता है और उसके नीचे आप लोग को राइट साइड में ही ये पावर बटन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग को फिंगरप्रिंट इसी में देखने को मिल जाता है। वहीं मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे देखिए आप लोग को माइक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इधर की मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है और यही मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो आप लोग को यहाँ सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट इस फोन को ओपन कर लेता हूं और मैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इस फोन में आप लोग को 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ऊपर की बात करूं तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पंच होल कैमरा दिया गया जो कि दोस्तों एक 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है। और दोस्तों आप लोग को बैक साइड में 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसके साथ एक 33W का फास्ट चार्जर भी आता है और ये 33W फास्ट चार्जर को सपोर्ट भी करता है दोस्तों। और इस फोन में आप लोग को स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों आप लोग को गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा देगा। तो चलिए दोस्तों एक बार हम कैमरा ओपन करके देखते हैं कैसा है कैमरा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तरह तरह का मोड दिया गया है और यहाँ पे नीचे देखिए आप लोग यहाँ 48 मेगापिक्सल का आप इस पर क्लिक करके फोटो ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नाइट मोड है और काफी मोड है, प्रो मोड है, तो दोस्तों आप अलग अलग सेटिंग में आप लोग फोटो ले सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं फ्रंट कैमरा एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया। चलिए दोस्तों एक बार हम इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ फिंगर रखा तुरंत ही ओपन हो गया। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ, ये तुरंत ही ओपन हो जाता है दोस्तों, मतलब लेट नहीं लगता। जैसे आप टच करेंगे तुरंत ही रिस्पांस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार हम फेस अनलॉक को टेस्ट करके देख लेते हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसका जो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट है, मतलब उतना भी फास्ट नहीं है लेकिन कुछ सेकेंड के लिए इसमें लॉक स्क्रीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। कुछ सेकेंड के लिए नहीं, कभी का लॉक स्क्रीन दिखता है और कभी का लॉक स्क्रीन आपको नहीं भी देखने को मिलता है, मतलब फेस अनलॉक भी इसका फास्ट है, फिंगरप्रिंट भी इसका फास्ट है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।